लगभग 2 साल पहले से जो साहब काशीराम जी के साथ के लगभग 250-300 जो बुजुर्ग लोग और साथी कार्यकर्ता हैं, वो काफी परेशानी में अपने आप को महसूस कर रहे थे और उनको रात को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो पेड़ उन्होंने लगाया वो पेड़ फल देने की बजाय अब पूरी तरह से बांझ हो गया। ये चिंता को देखते हुए वो आपस में पूरे देश में विचार मंथन करते रहे और करते रहे कि क्या किया जाए, जिसके एक हिस्से में ये आरवी सिंह जी हैं। और ये बात तय हुई कि भाई हम लोग जितने भी हमारी एनर्जी या जितनी ताकत या जितने हमारे नेतागण या जितने गणमान्य नेता हैं, उनसे ये कहें कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें देखें और बताएं, क्योंकि आप जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारे उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि जब भी आप ये कहते हो कि हमें इतना पैसा देना है, या आपको वहां खड़े होना है, या मीटिंग में आना है, या सभा में आना है, या नारा लगाना है, या बात को आगे बढ़ाना है, हम बात को भी करते हैं। बावजूद इसके भी लगातार साल दर साल बहुत ज्यादा संगठन बनने के बाद भी हमारे रिजल्ट 0 आ रहे हैं। और ये तय हुआ कि 7643 जातियों को, 6743 जातियों को जोड़ते जोड़ते जो 10,000 से ज्यादा संगठन बने हैं, वो संगठन भी जातियों में कैद हो गए और वो भी जातियों में बदल गए। अब नुकसान और ज्यादा होने लगा। इसी को देखते हुए पूरे देश में संपर्क किया गया और लगभग 30 से ज्यादा संगठन आंध्र भवन तेलंगाना भवन में 8 नवंबर को आए, जिसमें करीब 20-25 जो हमारे जैसे साधारण लोग थे, समण समाज के लोग, जो आम लोग हैं, जिनका कोई संगठन से लेना देना नहीं है, जिनकी चिंता थी और जो साहब काशीराम जी के साथ में लगातार जुड़े रहे और अपनी एनर्जी और अपनी ऊर्जा देते रहे, उन लोगों ने उनसे कहा कि आप सब एक हमें सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत कार्य प्रणाली दीजिए, हम एक जगह पैसा देना चाहते हैं और एक ही कॉल पे आना चाहते हैं, हम हजारों जगह पैसा नहीं देना चाहते, हजारों कॉल पे नहीं आना चाहते, हजारों संगठनों में नहीं आना चाहते, आप हमारे नेता हैं, आप ही रहेंगे, आप कृपया करके 14 अप्रैल 2020 तक आ जाइए, ये समर समाज का, ये समाज का जिसके लिए आप काम करते हैं उसका आदेश है, उसका निर्देश है। उसमें बहुत सारे जो संगठन थे वो इस बात को मान के गए और उन्होंने इस परिपत्र पे, इस सर्कुलर पे, इस आदेश पर साइन भी किया। लगभग इसमें 27 साइन है, वो साइन हम आपको बीच में बता देंगे बार बार किसके साइन है, कौन कौन संगठन आए थे उसमें। 3-4 बामसेफ हैं, धार्मिक संगठन भी हैं, और भी तरह के इसमें संगठन हैं जो सरकारी कर्मचारी के संगठन है। उस बात को लगभग आज 22 दिन हो गए और 22 दिन के दौरान में ये देखा गया कि पूरे देश से जो वीडियोज आपने बनाई और भेजी, उन वीडियोज के रेस्पेक्ट में हमारे पास में फोन आए और ये बात आई कि आप जो काम कर रहे हैं ऐसा ही हमारे मन में है, हम भी वो काम करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि कैसे काम करें, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं। तो उसके लिए ये तय हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के साथ में, और टेलीफोन नंबर दिए जाए, आगे की रणनीति जो लोगों ने चाहिए वो बताई जाए। और यहाँ एक बात खास है कि जो लोगों से आप बात करेंगे ये कोई संगठन नहीं है, ये आम व्यक्ति हैं, यहाँ हर एक व्यक्ति बराबर है, हर एक अपना अपना काम बाखूबी कर रहा है और आप किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न इनसे पूछ सकते हैं, इनसे जान सकते हैं, क्योंकि ये समण समाज के लिए, जो समाज के लिए आप काम कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि कार्य प्रणाली कैसी है और कैसी नहीं है, उसी के विषय में आज है और इसको हम विधिवत प्रचार को आरंभ कर रहे हैं आपके माध्यम से। सुधीर जी, आप जन जन तक ये समण समाज जो आपने लिखा है इसमें अपने प्रेस रिलीज में, कैसे समझाएंगे कि समण समाज कौन सा समाज है? बिल्कुल नया शब्द है समाज के लिए। समण समाज बहुत पुराना शब्द है। समण और ब्रह्मण दो पाली भाषा के बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, क्योंकि पाली भाषा हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो गई। समण का मतलब है जो भारत का मेहनतकश, समता वाला, समानता वाला, जो साधु संत टाइप के यानी सीधे सच्चे लोग हैं, भारत के ओरिजिनल रहने वाले, उनको पाली भाषा के अंदर समण बोलते हैं, और जो इसके अपोजिट लोग हैं उनको ब्रह्मण बोलते हैं। और भगवान बुद्ध के पहले आदेश में समण और ब्रह्मण का जिक्र आता है, ये कोई भी जो पाली भाषा का जानकार है वो बता सकता है। इसलिए समण से आप कंफ्यूज ना हो, समण भारत के मूल निवासियों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, समतावादी, प्यारवादी जो न्यायविद लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है।
46। ये सामने है झंडेवालान का मेट्रो स्टेशन और ये है गोल चक्कर पचपिया रोड का और ये है गढ़वाल भवन का बोर्ड और यहां से हम चलेंगे तो ये है गढ़वाल भवन मीटिंग का जहां